हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी कमियां छिपाने विधायक फैला रही भ्रामक बातें, राठौड़ बहुदेशीय पशु चिकित्सालय के मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के पत्रकार की वार्ता, राज्य संबंध कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने कहा कि स्थानीय विधायक स्वयं की और अपनी पार्टी की विफलताओं को छिपाने के लिए जनता के सामने भ्रामक बातें फैलाकर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। जिलाध्यक्ष राठौड़ शुक्रवार को बहुदेशीय पशु चिकित्सालय के मामले को लेकर पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुदेशीय पशु चिकित्सालय सन 2013 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए किए जा रहे आवंटन के तहत राज्य संबंध जिले को भी मिला था। इसके लिए वर्ष 2014 में धोइंडा और जावत के बीच जमीन का आवंटन भी किया गया था। उस जमीन पर पूर्व से किसी का कब्जा किया हुआ था, जिसे तत्कालीन सरकार व प्रशासन नहीं हटवा सके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जबकि वर्ष 2014 से लेकर 2018 तक नगर परिषद में चेयरमैन, विधायक, सांसद और राज्य सरकार सभी भाजपा के ही थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। इससे पिछले 7 सालों में राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों को जो स्वागत दी गई, उसका जिले के पशुपालकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि यहाँ नाथुवास में श्रीनाथ जी मंदिर मंडल की ओर से दी गई जमीन पर यह चिकित्सालय बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन राज्य संबंध के पशुपालकों को भी इस सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा और यहाँ भी राज्य सरकार से जल्द ही चिकित्सालय स्वीकृत कराया जाएगा। साथ ही नगर परिषद सभापति अशोक टांग द्वारा त्वरित कार्यवाही करवाते हुए चिकित्सालय के लिए आवंटित जमीन से अतिक्रमण हटवाया जाकर वहीं पर निर्माण करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य संबंध झील को भरने के लिए माही नदी का पानी राज्य संबंध लाने की DPR बनाने के लिए वर्ष 2013 में गहलोत सरकार डॉक्टर CP जोशी के आशीर्वाद से 4,56,00,000 रुपए का बजट आवंटित हुआ था, जिसे भी 2014 में भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निरस्त कर दिया गया। जबकि इस बैठक में स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल थी, उन्होंने 1,300 करोड़ रुपए की लागत से देवास का पानी लाने का ढिंढोरा भी पूरे राज्य संबंध में पीटा था, लेकिन वो भी हवा हवाई ही साबित हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद कोई विकास का बड़ा कार्य तीनों कार्यालय में नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक अब नाथ द्वारा के विकास कार्य के नाम पर अपनी राजनीति कर रही है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भ्रमित फैला रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर CP जोशी का प्रेम सरोकार नहीं होता तो वे क्यों राज संबंध में बागेरी का पानी लाते। उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर कई विकास कार्य किए हैं। इनमें दोनों 4 लेन, मेवाड़ क्लब, RK अस्पताल, रूडीप की योजनाओं सहित कई सौगातें राज संबंध को दी गई है। नगर परिषद सभापति अशोक टांग ने जिम्मेदारी लेते हुए और विश्वास दिलाते हुए कहा कि बहुदेशीय चिकित्सालय के लिए आवंटित की गई जमीन से जल्द अतिक्रमण हटवाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार से राज संबंध में जल्द ही चिकित्सालय की स्वीकृति लेकर आएंगे और आवंटित जमीन पर बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज संबंध में वर्तमान में स्थित पशु चिकित्सालय को भी अपग्रेड करवाने के साथ ही पर्याप्त चिकित्सक, सर्जन आदि के साथ ही सभी तरह के अत्याधुनिक पशु चिकित्सक सुविधाएं राज्य सरकार से उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय पशुपालकों को लाभान्वित करवाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय पशु चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। प्रारंभ में स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप शर्मा ने किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष देविकानंद गुज्जर, नगर परिषद सभापति चुन्नीलाल पंचोली, सगर क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राठौड़, OBC प्रकोष्ठ के नानालाल सार्दुल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी, पार्षद हेमंत रजक, किशनलाल गाडरी मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी, पार्षद हेमंत रजक, किशनलाल गाडरी मौजूद थे। जागरूक टीवी के राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।